जीनत अमान और मुमताज के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। जी हाँ, जीनत अमान की लिव इन रिलेशनशिप पर की गई बात खत्म होने का अब नाम नहीं ले रही है। हाल ही में इस मुद्दे पर मुमताज ने अपनी राय रखी थी, हालांकि उनका बयान एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था। अब लिव इन रिलेशनशिप की इस बहस में सायरा बानो भी कूद पड़ी है। दरअसल जीनत अमान गुजरे दौर की बोल्ड एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। एक्ट्रेस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। फिल्म दुनिया से जुड़े अब तक कई अनसुने किस्सों पर एक्ट्रेस बात कर चुकी हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने बिना शादी के साथ रहने यानी लिव इन रिलेशनशिप पर अपनी राय भी रखी थी। जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहा था कि शादी करने के पहले कपल्स को लिव इन में जरूर रहना चाहिए। अभिनेत्री की इस मॉडर्न सोच पर उनके यंग फैंस ने खूब वाहवाही की थी। हालांकि ये मजाक कुछ देर में ही किरकिरा हो गया था, क्योंकि मुमताज ने उनकी निजी जिंदगी को लेकर कमेंट कर दिया था। तो आइए जानते हैं इस बहस पर अब सायरा बानो ने क्या कुछ कहा है। लिव इन रिलेशनशिप पर जीनत अमान और मुमताज की बहस पर बात करते हुए सायरा बानो ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं ज्यादा इस बारे में नहीं पढ़ रही हूँ और मैं सच में वो फॉलो नहीं कर रही हूँ जो वो मुमताज और जीनत कर रही है, लेकिन हम बहुत पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे ट्रेंड 40-50 साल पहले का है। उन्होंने आगे कहा, लिव इन की बात से मैं सहमत तो नहीं हो सकती, मैं कभी भी इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप के विकल्प चुनने वालों की वकालत नहीं करूंगी, ये मेरे लिए सोच के परे है और मैं इसे नहीं एक्सेप्ट करती। इतना ही नहीं, जीनत अमान के लिव इन रिलेशनशिप वाले पोस्ट पर मुमताज ने भी अपनी राय रखी। जूम के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि रिलेशनशिप पर राय देने वाली जीनत अमान आखिरी इंसान होनी चाहिए, क्योंकि मजहर खान के साथ उनकी अपनी शादी नर्क से कम नहीं थी। इतना ही नहीं, मुमताज के बयान पर जीनत अमान ने भी पलटवार किया था। मुमताज का उनकी पर्सनल लाइफ पर बात करना अभिनेत्री को पसंद नहीं आया। जवाब देते हुए जीनत अमान ने कहा, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, मैं कभी उन लोगों में शामिल नहीं रही जो दूसरों की पर्सनल लाइफ पर कॉमेंट करते हैं या फिर अपने साथ काम करने वालों को नीचा दिखाते हैं, और मैं इसे अब भी नहीं शुरू करने जा रही हूँ। कुल मिलाकर के इनकी अब लड़ाई टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। वेल, आप बताइए इस खबर पर आपकी क्या राय है।